जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश में सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत है, जिसे भौमी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जया एकादशी का व्रत धारण करने वाले भक्तों को समस्त प्रकार के वायिक वाचिक मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, व्रत धारक के माता पिता की तरफ से 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है, इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद बरसता है। इसीलिए शास्त्रों में जया एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के माधव रूप की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तगणों, इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत करने वाले तथा श्री हरि का गुणगान कथा सुनने वाले पढ़ने वालों को कभी भी भूत पिशाच की योनि प्राप्त नहीं होती। इस व्रत में उपासक को अग्निष्टुम्भ यज्ञ के तुल्य फल की प्राप्ति होती है तथा वे तुरंत सुखी हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा श्रवण मात्र से भूत पिशाच जैसे योनियों में नहीं भटकना पड़ता। मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, जया एकादशी पर व्रत और पूजा पाठ करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है और हर कार्य में विजय मिलती है। जया अर्थात विजय दिलाने वाली एकादशी। और भक्तगण, अगर इस दिन जया एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो भी उनका कल्याण निश्चित है। तो प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे परम सुखदाई जया एकादशी की व्रत कथा, साथ ही आप सभी भक्तगण भगवान विष्णु से मंगल कामना करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के साथ बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। जय श्री गणेश। जया एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, हे माधव, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की सरतीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्रिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज किया करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मूल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाढ़ चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। उसी समय इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने हेतु
पुष्पवती और माल्यवान वहां उपस्थित थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा साप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और पिशाच बनकर हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपने स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रातः होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारा पिशाच देह छूटा है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजार वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, जय हो एकादशी माता, ओम नमः शिवाय। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने पुष्पवती और माल्यवान का कल्याण किया, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को पुण्य फल की प्राप्ति कराना। ओम जय जगदीश हरे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की दूसरी कथा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? ऐसे कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो,
ये बहन भाई के पवित्र बंधन हैं। जाओ जाकर अपना काम करो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? अब क्या था, सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियाँ द्रौपदी के घर पहुँची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस सवार रही थी। जब द्रौपदी केस सवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, हे नारायण, मैं केस सवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम क्यों अपना केस सवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभियाँ आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। देवी रुक्मणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इनकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक में जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसीलिए इसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती हैं। हम हर रोज जो सुगंधित पदार्थ तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं उसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है, इसको कहते हैं स्नान। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान विष्णु की तीसरी कथा। किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियाँ काटता किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। लकड़हारे ने उसे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा मैं चाहता हूँ कि जब भी आपकी ईश्वर से मुलाकात हो तो मेरी फरियाद उनके सामने रखें और मेरे कष्ट का कारण पूछें। कुछ दिन बाद उसे वही फकीर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो उसने कहा, ईश्वर ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल की है, तुम्हारे भाग में पूरे जीवन के लिए बस 5 बोरी अनाज है, इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देगा। लकड़हारे ने कहा, बाबा अब जब भी ईश्वर से आपकी बात हो तो मेरी यह इच्छा उन तक पहुँचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भर पेट भोजन कर सकूं। अगले दिन फकीर ने कुछ ऐसा ही किया, लकड़हारा के घर ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया।
लकड़हारा समझ गया कि ईश्वर ने अब उसने उसका सारा हिस्सा भेज दिया। उसने कल की चिंता किए बिना पूरे अनाज का भोजन बनाकर सभी ब्राह्मणों और गरीब भूखों को खिलाया और उन्हें तिल का दान दिया और खुद भर पेट खाया। अगली सुबह उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद उसे वही ब्राह्मण वही फकीर फिर लकड़हारे को मिले तो लकड़हारे ने कहा, बाबा आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। उस साधु बाबा ने कहा, तुमने अपने जीवन का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसीलिए ईश्वर ने उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रखा है। तुमने तिल का दान दिया है, इसीलिए जितना तुमने तिल का दान दिया है उतने करोड़ों वर्ष तक तुम्हें स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, इस एकादशी के दिन आप तिल का दान अवश्य करें। पानी में तिल डालकर पिएं और तिल से बनी सामग्री खाएं और तिल के तेल को पूरे बदन भर लगाकर उसका स्नान करें और हो सके तो एकादशी व्रत का पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की दूसरी कथा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? ऐसे कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई के पवित्र बंधन हैं, जाओ जाकर अपना काम करो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? अब क्या था, सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गईं और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गईं। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस सवार रही थी। जब द्रौपदी केस सवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, हे नारायण मैं केस सवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम क्यों अपना केस सवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभियां आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। देवी रुक्मणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इनकी खोपड़ी की एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक में जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर पूरी पृथ्वी पर कोई संत कोई साधु कोई सन्यासी कोई तपस्वी कोई साधक कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसीलिए इसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान।
जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती हैं। हम हर रोज जो सुगंधित पदार्थ तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं उसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है, इसको कहते हैं स्नान। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान विष्णु की तीसरी कथा। किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियां काटता, किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। लकड़हारे ने उसे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा मैं चाहता हूँ कि जब भी आपकी ईश्वर से मुलाकात हो तो मेरी फरियाद उनके सामने रखें और मेरे कष्ट का कारण पूछें। कुछ दिन बाद उसे वही फकीर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो उसने कहा, ईश्वर ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल की है। तुम्हारे भाग में पूरे जीवन के लिए बस 5 बोरी अनाज है, इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देगा। लकड़हारे ने कहा, बाबा अब जब भी ईश्वर से आपकी बात हो तो मेरी यह इच्छा उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भर पेट भोजन कर सकूं। अगले दिन फकीर ने कुछ ऐसा ही किया, लकड़हारा के घर ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया। लकड़हारा समझ गया कि ईश्वर ने अब उसने उसका सारा हिस्सा भेज दिया। उसने कल की चिंता किए बिना पूरे अनाज का भोजन बनाकर सभी ब्राह्मणों और गरीब भूखों को खिलाया और उन्हें तिल का दान दिया और खुद भर पेट खाया। अगली सुबह उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद उसे वही ब्राह्मण वही फकीर फिर लकड़हारे को मिले तो लकड़हारे ने कहा, बाबा आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। उस साधु बाबा ने कहा, तुमने अपने जीवन का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसीलिए ईश्वर ने उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रखा है। तुमने तिल का दान दिया है, इसीलिए जितना तुमने तिल का दान दिया है उतने करोड़ों वर्ष तक तुम्हें स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, इस एकादशी के दिन आप तिल का दान अवश्य करें। पानी में तिल डालकर पिएं और तिल से बनी सामग्री खाएं और तिल के तेल को पूरे बदन भर लगाकर उसका स्नान करें और हो सके तो एकादशी व्रत का पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा।